अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 52 एपिसोड और इस एपिसोड में हम साइबेरियन हस्की वर्सेस इंडियन स्पिट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, साइबेरियन हस्की का ओरिजिन मेनली एशिया से है, लेकिन कुछ साल पहले उनको कच्छा कबीला के लोगों ने साइबेरिया में पाला था और वहाँ के सुटेबल वेदर और एनवायरनमेंट से वो ज़्यादातर वही ब्रीड किए जाने लगे और इसी कारण साइबेरियन हस्की का ओरिजिन रशिया कहा जाता है। साइबेरियन हस्की बर्फीले इलाकों में तेज दौड़ते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल स्लेज खींचने के लिए किया जाता है। इंडियन स्पिट्स का ओरिजिन इंडिया से है और स्पिट्स टाइप के डॉग ब्रीड हैं। इंडियन स्पिट्स और पोमेरेनियन दोनों भी स्पिट्स टाइप के डॉग ब्रीड्स हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग डॉग ब्रीड्स हैं। इंडियन स्पिट्स पोमेरेनियन से साइज में बड़े होते हैं और उनका कोट थोड़ा शॉर्ट होता है। 19वीं सेंचुरी के दौरान इंडिया में ऑक्यूपाइड ब्रिटिश एरिया में ब्रिटिश लोग एक ऐसी ब्रीड चाहते थे जो इंडियन क्लाइमेट के लिए अनुकूल और जर्मन स्पिट्स जैसे इंटेलिजेंट हो। कुछ साल ब्रीडिंग के बाद उन्होंने एक ऐसी ब्रीड पाई जो इंडिया के क्लाइमेट के लिए परफेक्ट थी। इंडियन स्पिट्स डॉग इंडिया के अदर डॉग ब्रीड से इंटेलिजेंस के मामले में सबसे ऊपर है और ये ब्रीड ट्रिक दिखाना और अपने मालिक की भाषाओं को समझना जल्दी सीखती है। इंडियन स्पिट्स डॉग बहुत ही फेमस डॉग ब्रीड है और आपने बहुत से बॉलीवुड के मूवीज में इस डॉग ब्रीड को देखा होगा। गाइडिंग एंड सोशलाइजेशन, साइबेरियन हस्की मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स इंटेलिजेंट, जेंटल, अलर्ट और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अगर आपके पास बड़ा घर या बैकयार्ड है तो आप इस डॉग को पाल सकते हो। साइबेरियन हस्की डॉग के पास ज़्यादा ठंड सहने की ताकत और कम खाने में सर्वाइव करने की क्षमता होती है। साइबेरियन हस्की गार्ड डॉग नहीं है क्योंकि इनको ज़्यादातर झुंड में रहना या फिर फैमिली के साथ रहना पसंद होता है। इनके फ्रेंडली नेचर के कारण आप इनको छोटे बच्चों के साथ आसानी से रख सकते हो। इनको डेली 50-60 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। अगर आप साइबेरियन हस्की को एडॉप्ट करना चाहते हो तो बचपन से ही कीजिए। साइबेरियन हस्की को रहने के लिए ठंडे वेदर की ज़रूरत होती है और आपके यहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान है तो आपको कूलर लगवाना चाहिए। इंडियन स्पिट्स ब्राइट एंड एक्टिव डॉग ब्रीड है और ये साइज में छोटे होने के कारण ये छोटे घर में आसानी से रह सकते हैं। इस डॉग ब्रीड को इंटेलिजेंट के लिस्ट में भी गिना जाता है क्योंकि ये ब्रीड कम से कम टाइम में अलग अलग ट्रिक सीखती है। अगर आपका घर छोटा हो या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस ब्रीड को अडॉप्ट कर सकते हो। गार्डिंग के मामले में ये ब्रीड बहुत ही अलर्ट होती है। इंडियन स्पिट्स डॉग को डेली 30-40 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए और इनको अपने मालिक के साथ घूमना बहुत पसंद होता है। कलर्स एंड शेडिंग, साइबेरियन हस्की व्हाइट, ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड व्हाइट, सेबल एंड व्हाइट, ग्रे, ग्रे एंड व्हाइट, सिल्वर ग्रे और रेड एंड व्हाइट कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट डबल होता है। जो अंदर का कोट होता है वो उनको गर्म रखता है और ऊपर का कोट पानी से बचाता है। इनको हफ्ते में 2-3 बार ग्रूमिंग करवाना चाहिए। साइबेरियन हस्की का शेडिंग सीजन 6-7 मंथ में आता है। इंडियन स्पिट्स ब्लैक, टैन, व्हाइट एंड ब्राउन कलर्स में पाए जाते हैं। इंडियन स्पिट्स डॉग का लॉन्ग कोट होता है और एक ऐसी ब्रीड है जो खुद को साफ रखना पसंद करती है, लेकिन लॉन्ग कोट होने की वजह से उनको रेगुलर ब्रशिंग की ज़रूरत होती है ताकि उनका कोट अच्छी स्थिति में रहे और इनका शेडिंग सीजन 5-6 मंथ में आता है। मेंटेनेंस, साइबेरियन हस्की का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 50,000-60,000 तक आता है। इंडियन स्पिट्स का पर ईयर मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा 6,000-12,000 तक आता है। हाइट, साइबेरियन हस्की की एवरेज हाइट 20-24 इंचेस होती है। इंडियन स्पिट्स की हाइट 16-18 इंचेस होती है। वेट, साइबेरियन हस्की का एवरेज वेट 18-27 केजी होता है। वेट 10-20 केजी तक होता है। लीटर साइज, साइबेरियन हस्की की लीटर साइज एवरेज 4-8 पपीज होती है। इंडियन स्पिट्स की लीटर साइज एवरेज 3-6 पपीज होती है। लाइफ स्पैन, साइबेरियन हस्की का लाइफ स्पैन 12-14 ईयर्स तक होता है। इंडियन स्पिट्स का लाइफ स्पैन 10-14 ईयर्स तक होता है। प्राइस, साइबेरियन हस्की की प्राइस 60,000 के ऊपर है। इंडियन स्पिट्स की प्राइस अप टू 5,000 है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 52 एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने इसमें से कौन से डॉग को चूज किया, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।